यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि आज यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वाणी को आप तक पहुँचाएँ, घर घर में, शहर शहर में, गांव गांव में, देश देश में ये वचन पहुँचने पाए। परमेश्वर महान है और आज परमेश्वर के अनुग्रह के बिना इस धरती पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पूरी चर्चा जो हम अब तक करते आ रहे हैं का सार और तत्व यही है कि उद्धार अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा संभव है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों की पत्री 2:8 में लिखा है। हमने अपने मसीह जीवन का आरंभ पापों से क्षमा व आत्मा में बपतिस्मा की प्राप्ति अनुग्रह से विश्वास के द्वारा किया। एक दिन जब प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर महिमा में लौटेगा, तब आसमान में हम उससे मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। अतः पृथ्वी पर हमारे मसीह जीवन का आरंभ और समाप्ति अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होती है। हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि इन दो चीज़ों के बीच की हर घटना को भी हमें इसी सिद्धांत के साथ स्वीकार करना है। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हम हर बुरी बात का सामना कर सकते हैं और इस पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया कार्य पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर पूरे भविष्य को जानता है। He knows everything because He is creator of all this universe. वो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है। सब कुछ वो जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे साथ कल या अगले सप्ताह या अगले वर्ष होने वाला है जो परमेश्वर को आश्चर्य में डाल दे। वह आरंभ से ही अंत के बारे में जानता है। इस बात से हमें बड़ी राहत मिलनी चाहिए। परमेश्वर को पता है कि आप एक महान परीक्षा या प्रलोभन से कल या अगले सप्ताह गुजरने वाले हैं और जो यह निश्चित ही आपको उससे निपटने के लिए अनुग्रह देगा। 2 कुरिन्थियों 12:9 में प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। उसका अनुग्रह हर जरूरत के लिए पर्याप्त है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। 2 कुरिन्थियों 9:8 में प्रेरित पौलुस कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अनुग्रह बहुतायत से हमारे लिए उपलब्ध है ताकि वह जरूरत के समय हमारी मदद कर सके। इब्रानियों की पत्री 4:14 में लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आपकी चाहे जो भी आवश्यकता हो परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है ताकि उसे पूरा करने में आपकी मदद कर सके। अतः हम आमंत्रित हैं कि दृढ़ता से अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाएं और अनुग्रह प्राप्त करें।
हम पूर्व में पराजित हुए हैं, क्योंकि हमने उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया, लेकिन आगे चलकर कुछ और ही कहानी हो सकती है। अगर हम स्वयं को दीन करें और हमारी आवश्यकता के समय अनुग्रह की गुहार करें तो परमेश्वर हमें निराश नहीं करेगा। बाइबल कहती है कि जो बहुतायत से अनुग्रह प्राप्त करते हैं वे यीशु क्रिस्त के द्वारा जीवन में विजयी होंगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो की पत्री 5:17 में लिखा है। यही परमेश्वर की आदम के लिए इच्छा थी, यही परमेश्वर की आदम के लिए इच्छा थी कि वह अधिकार करे और हर एक चीज पर राज्य करे। बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26 के अनुसार, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे सारे चीजों पर अधिकार रखें। आदम की अनाज्ञाकारिता ने उसके जीवन के लिए परमेश्वर के महान उद्देश्य को पूर्ण होने नहीं दिया, परंतु अब परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक नई जाति माने एक नई परिवार को खड़ा किया है। परमेश्वर के पुत्र जो यीशु क्रिस्त के विश्वास में जीते हैं और वे राजाओं के से सम्मान से रहेंगे और पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यदि हम स्वयं को दीन करें और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें तो हमें पाप को स्वयं पर अधिकार करने देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी भय या चिंता को अब आपके मन में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी इस पृथ्वी पर आपके जीवन को कठिन नहीं बना सकता, ना आपका मालिक, ना आपकी पड़ोसी, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके दुश्मन, ना शैतान, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने विजय के रहस्यों को जान लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें क्रिस्त के विजय की ओर लिए चलता है। परमेश्वर के अनुग्रह की इस नई वाचा में रहना कितना अद्भुत है। व्हाट ए वंडरफुल इट इज, व्हाट ए ग्लोरी इट इज। प्रतिज्ञा का देश आपके सामने खुला है, इट इज ओपन। प्रॉमिस्ड लैंड इज ओपन, जाइए और उस पर अधिकार कीजिए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए, और जितनों ने ये वचन सुना है, ग्रहण किया है, उनके जीवन भरपूर आशीषों से भर जाए परमेश्वर के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमिता है, मामरा डंडी से आती हूँ। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था, तकलीफ में थी मैं, तो अंकल पास्टर अंकल जी के पास आई। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रेयर किया, तो मैं एकदम चंगी हो गई हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर अंकल जी का भी धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की।